मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी। मैं जाना तुम्हार गुण सीला कहौ सुनौ अवर गोपति लीला। सुन मुनि आजु समागम तोरे कहि न जाई जस सुख मन मोरे। राम चरित अमित मुनि सा कहि न सकहि सत कोटि यही सा। तदपि जथा श्रुत कहौं बखानी सुमिर गिरापति प्रभु धनुपानी। सारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्र घर अंतर जामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कभी खुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आधनो सरद चंद चविहारी। मंगल भवन या मंगल हारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी। जटा मुकुट सुर सरित सिरा लोचन अर्थात मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी यानी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी
योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख है और जिनके धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल यानी छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की यानी शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों के वलकल यानी वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए यानी पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला यानी फीकी करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।